तो फ्रेंड्स, आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित है, जिसमें ये बताया गया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में बिजनेस प्रपोजल देने वाले छात्रों को रोज़गार शुरू करने के लिए मिल सकते हैं 5 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये 5 लाख रुपए किन किन छात्रों को मिल सकते हैं, कौन से छात्र ये 5 लाख रुपए लेने के लिए एलिजिबल हैं। पहले इनका दिया हुआ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा है, छात्रों को पढ़ाई के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय अब उनको आत्मनिर्भर भी बनाएगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है प्रत्येक छात्र के लिए। इसके लिए विश्वविद्यालय 5 लाख रुपए की सीड मनी योजना लेकर आया है। इसमें महात्मा गांधी रोज़गार अध्ययन केंद्र की ओर से बेहतरीन बिजनेस प्रपोजल देने वाले छात्रों को रोज़गार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। छात्रों में नवाचार बढ़ाने और उनको स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय अपने छात्रों को लिए प्रतिवर्ष 5 लाख की सीड मनी की योजना लेकर आया है। इसमें छात्र को अपना बिजनेस प्रपोजल काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल के निदेशक की ओर से गठित एडवाइजरी कमेटी के सामने रखना होगा। इसके बाद कमेटी छात्रों के दिए प्रपोजल की गुणवत्ता के आधार पर तय करेगी कि छात्रों को रोज़गार के लिए धनराशि दी जाए। प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना के तहत छात्रों को स्वावलंबी बनाने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई गई यह योजना बहुत ही बेहतर योजना है, लेकिन अभी इस योजना में यह साफ नहीं किया गया है कि इस योजना का लाभ केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र उठाएंगे या फिर अन्य कॉलेज के छात्र भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों, इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी आएगी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी, इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ये 5 लाख रुपए किन किन छात्रों को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 लाख रुपए केवल उन्हीं छात्रों को मिलेंगे जिनका बिजनेस प्लान सबसे अच्छा होगा और इस संस्था को लगेगा कि ये बिजनेस आगे ग्रो कर सकता है या फिर इसमें इन्वेस्ट करना या इस शख्स को पैसा देना सही है।